हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अपने तबीयत की वजह से वीडियो काफ़ी दिनों के बाद डाल रही हैं, जैसे कि 5-6 दिन हो गया है। तो आज मैं छोटी छोटी टिप्स लेके आई हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और इस जानकारी को अपना कर आप अपने काम को आसान बना सकेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्याज। प्याज को हम डेली यूज़ करते हैं। प्याज, आलू और लहसुन, ये तीनों चीज़ें बड़ी जल्दी ख़राब होती हैं। इनके तो छिलके उतर जाते हैं प्याज के, और इसमें अंकुर भी आ जाते हैं। तो हम किस तरह से इनको स्टोर करें? अगर आपके यहाँ जगह है तो आप अच्छे से फैला दीजिए। अगर जगह की कमी है तो आपके यहाँ नेट आता होगा, जैसे कि हमारे यहाँ आया है। इस नेट में हम प्याज, आलू, लहसुन तीनों चीज़ों को रख कर इसे एक कील में टांग देते हैं, लटका देते हैं। इसमें हवा जाती रहेगी, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो जैसे कि 3-4 kg है, तो 3-4 नेट में आप हवा जहाँ पे आती है उस तरह से इसमें हवा भी जानी चाहिए। साइड में आप कहीं भी इसे कील में इस तरह से लटका दीजिए। आपकी प्याज ये महीनों तक ना इसके छिलके उतरेंगे और ना ही इनमें अंकुर आएंगे। तो इस तरह से आप आलू, लहसुन, प्याज तीनों को इस तरह से आप ज़रूर यूज करें। ये ट्रिप काफ़ी यूजफुल है। इसमें क्या होगा, जगह कम है, आप कहीं भी टांग दीजिए, ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि जगह ज़्यादा है तब तो अच्छा है, आप कहीं भी फैला दीजिए, और जगह कम है तो आपको इस तरह से लटकाने से काफ़ी आसानी होगी। दूसरी ट्रिप हमारी देखिए ये है कि जैसे कि आलू हम काटते हैं तो कभी कभी आलू बच जाती है, या कभी सुबह जल्दी होता है तो शाम को ही काट के रख देते हैं। तो आलू काली ना हो, आलू का कलर सेम जैसा बना रहे, तो क्या करना है, आलूओं को अच्छे से धुल लेना है। धुलने के बाद एक हमने टिफ़िन लिया है, आप प्लास्टिक का डिब्बा कुछ भी ले सकते हैं, उसमें पानी इतना डालना है कि आपकी आलू जो है अच्छे से पानी में डूब जाए। इस तरह से डुबाने के बाद अब ढक्कन को लगा देना है और इसे आपको फ्रिज में रख देना है। रात भर के लिए या 1 हफ्ते के लिए आपके आलू का कलर जैसे ही आप रखेंगे उसी तरह से मिलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस ट्रिप को आप ज़रूर फॉलो करें, ये काफ़ी यूज़फुल है। अब हम देखते हैं थर्ड ट्रिप। जैसे कि दूध रख देते हैं बाहर तो दूध ख़राब हो जाता है, कभी भूल जाते हैं। तो दूध को आप किस तरह से रखें तो आपका दूध जो है 2 दिन तक बाहर पड़ा रहेगा तब भी ख़राब नहीं होगा। तो दूध को हमने गर्म कर लिया है, अब इसको ठंडा कर लेना है। और ठंडा होने के बाद इसमें बेकिंग सोडा, जो कि खाने वाला सोडा बोलते हैं, मीठा सोडा भी बोलते हैं, बस इसमें 1 चुटकी डालना है और इसको रख देना है। गर्म करने के बाद ठंडा करना है, ठंडा करके मीठा सोडा 1 चुटकी डाल देना है और इसको फिर आपको अच्छे से कहीं भी रख देते हैं। आपका दूध 2 दिन तक बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। इसमें बेकिंग सोडा जो होता है ये खट्टा होने से बचाता है। दूध को काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तीसरी ट्रिप हमारी, जैसे कि ठंडी का मौसम है, अभी तुलसी की चाय बड़ी अच्छी लग रही है, तो तुलसी को स्टोर कैसे करें? पहले हमने वीडियो डाला है जैसे कि तुलसी को सुखा के डाला था, सुखा के चाय पत्ती में हमने पाउडर बना के डाल दिया था। लेकिन आपको डंठल चाहिए, हरी पत्तियां चाहिए, तो आप इस तरह से रख सकते हैं। गिलास में पानी लेके आप इसे रखिए। मैंने 1 हफ्ते इसे रखा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, काफ़ी यूज़फुल है। आपको तुलसी की पत्ती बिल्कुल ताज़ी हरी मिलेंगी 1 हफ्ते तक, और ज़्यादा दिन भी चलेंगी क्योंकि पत्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, हम यूज़ करते हैं तो मतलब यूज़ हो जाती हैं, नहीं तो 1 हफ्ते से ज़्यादा चलेंगी। काफ़ी यूज़फुल है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। अगली ट्रिप है आल आउट को लेके। आल आउट जब इसका लिक्विड ख़त्म हो जाता है तो हम इसे फेंक देते हैं। तो इसे हम बिल्कुल भी ना फेंकें। देखिए इस तरह से हमारा ये बिल्कुल खाली हो गया है, जिसमें लिक्विड बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इसको यूज में काफ़ी अच्छा है ये, जैसे कि आपको ये देखें, ये भरा हुआ है, बिल्कुल भी खाली नहीं है। और दूसरा वाला जो हमने लिया है ये बिल्कुल खाली है, तो ये तो काफ़ी यूजफुल है ही, लेकिन जो खाली है उसको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो खाली वाले आल आउट को लेना है और इसको इस तरह से, जैसे कि ये देखिए कपूर हमने पहले डाला था वो दिखा रही हूँ, इसको लगा देना है। और आपको कोई भी कपूर ले सकते हैं। तो 1 टिक्की हमने लिया है, ये टिक्की वाला कपूर है, भीमसेनी कपूर है, कोई भी कपूर आप लीजिए।
और थोड़े से कपूर को ऑल आउट के अंदर डाल दीजिए। जो इसमें इस तरह से छोटा सा होल दिख रहा है इसमें डाल दीजिए, आपके घर में इतनी अच्छी खुशबू आएगी, इस तरह से चारों तरफ बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, मच्छर मक्खी नहीं आएंगे। और ये कोन का काम करता है, कपूर के कोन का काम करेगा, आपको फ्री में ही मिल जाएगा ये। जैसे कि लिक्विड ख़त्म हो गया तो फेंक देते हैं, तो इसे आप इस तरह से ज़रूर यूज़ करें। कपूर को डालने के बाद आप 10 मिनट के लिए ऑन कर दीजिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। 10 मिनट बाद इसको ऑफ़ कर दीजिए, पूरा दिन कपूर की खुशबू रहेगी और इतना सुंदर खुशबू आएगा, घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी और बहुत ही सुंदर लगता है। इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो करें, ये काफ़ी यूज़फुल है। 10 मिनट आप बंद कर दीजिए, देखिए किस तरह से लाइट जल रही है, चारों तरफ मच्छर मक्खी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो इसे आप ज़रूर फॉलो करें, ये काफ़ी यूज़फुल है, मैं इसे ज़रूर यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। लास्ट ट्रिक है, जैसे कि एक बोतल लिया हमने प्लास्टिक की, जो कि तेल की आती है, सरसों के तेल की बोतल आती है, ये बहुत ही यूज़फुल है। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से किनारे जो नीचे हैं इस तरह से इसको कट कर लेंगे। चाकू को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है इस तरह से, और गर्म चाकू से हम इसके बोतल के जो किनारे हैं इनको काटेंगे। ये बहुत ही यूज़फुल है, इस आइडिया को आप ज़रूर फॉलो करें। तो गरम चाकू होने के बाद अब हम बोतल के थोड़ा सा इसे भी हल्का सा गरम कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा सिकुड़ भी जाता है और काटने में बहुत ही आसानी होती है। तो इस तरह से हम काट लेंगे, बिल्कुल आधा इंच से कम रखना है नीचे की तरफ, और इसे अच्छे से गोल आकार में कट कर लेना है। बोतल को फेंकने से पहले इस आइडिया को ज़रूर यूज करें, इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये काफ़ी यूज़फुल है। इससे हमारे घर में जो कचरे हैं वो बच जाएंगे, कचरे नहीं जाएंगे। ये देखिए इस तरह से काट कर हमने तैयार कर लिया है। अब इसको क्या करना है, चाकू हम गर्म कर रहे हैं, छोटे छोटे होल करना है इसमें, जिससे कि इससे पानी आसानी से निकल सके। छोटे छोटे होल फटाफट से कर लेती हूँ और फिर मैं आगे दिखाती हूँ इसका करना क्या है। तो ये बहुत ही यूज़फुल है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। देखिए हमने बिल्कुल इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब आप इसे उल्टा या सीधा इस तरह से रख सकते हैं, मैंने उल्टा करके रख दिया है। अब इसमें आपके घर का कोई भी कचरा नहीं जाएगा, जैसे कि चाय वगैरह चली जाती है, चावल बर्तन धुलने में इसका बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से आप इसको रख देते हैं, ये अब हमेशा के लिए हो गया, ये इसमें पड़ा ही रहेगा और कचरा जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो करें, ये काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि पाइप जो है ये ब्लॉक बहुत होते हैं, इसलिए इनको इस तरह से छोटे छोटे आइडिया को अपना कर आपकी जो ये वेशिंग होता है बिल्कुल भी लॉक कभी नहीं होगा, ये हमेशा अच्छे से जाएगा, पानी क्लियर रहेगा, क्योंकि कचरा नहीं जाएगा तो इसका पाइप लॉक नहीं होगा। तो इस तरह से इसको ज़रूर फॉलो करें। और कुक वेज मंजू में बस आज के लिए इतना ही, आप मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरा कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।